पाकिस्तान को बने तकरीबन 70 साल हो गया, लेकिन आज तक हम अपनी करेंसी को डिजिटलाइजेशन में नहीं लेके गए। वजह क्या है, आज जानेंगे इस वीडियो में। मैं हूं मोहम्मद आमिर जमील, आप देख रहे हैं रेड वॉच। पाकिस्तान में बैंकिंग सिस्टम और लोगों का बैंकिंग सिस्टम के में पैसा ना रखना एक बहुत बड़ा मसला है। तकरीबन एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान की आवाम में सिर्फ 20% आवाम पाकिस्तान में अपना पैसा बैंक और अकाउंट्स के अंदर रखती है, जबकि 80% आवाम अपना पैसा और अपनी ट्रेड यानी अपनी तिजारत और कारोबार के तमाम जराए कैश के जरिए चलाती है। अगर बात की जाए मुनाफे की, तो वो कंपनी जो पाकिस्तान के रुपए के लिए, पाकिस्तान की पैसों के लिए पेपर बनाती है, उस कंपनी को माली साल 2019 में 27 अरब यानी 65% का इजाफा हुआ है, जबकि अगर इस इजाफे की बात की जाए तो ये 1.89 अरब यानी 19% बनता है अगर सालाना बेसिस पर देखा जाए। इस बात से ये भी साबित होता है कि इस वक्त पाकिस्तान में बहुत सारा कैश मौजूद है, जबकि बैंक्स के पास पैसा नहीं मौजूद है। हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि पाकिस्तान ने 70 सालों में टोटल 95 ट्रिलियन का पैसा सिर्फ बैंकिंग सेक्टर्स के अंदर डिपॉजिट किया और निकाला और चलाया है। अगर बात की जाए माली साल 2019-20 की, तो माली साल 2019-20 में पाकिस्तान का बजट खसारा 9.2% था और हुकूमत पाकिस्तान को तकरीबन 7% बजट खसारे की उम्मीद थी, लेकिन ये बजट खसारा भी 2% बढ़ा। इसके बाद अगर बात की जाए तो पाकिस्तान ने तकरीबन 1.2 ट्रिलियन का COVID-19 के अंदर पैकेज दिया था। इस पैकेज के अंदर एहसास प्रोग्राम के पैसे भी शामिल थे। उन पैसों के जरिए लोगों के पास कैश फ्लोज गए और वो पैसा अब तक मार्केट में मौजूद है। हुकूमत के पास मसला ये है कि हुकूमत नई करेंसी प्रिंट करने जाती है तो वो स्टेट बैंक के पास जाएगी। हुकूमत इस चीज से बचने के लिए हुकूमत IMF और दीगर प्राइवेट बैंक से कर्जे ले रही है। इस कर्जे के नतीजे में हुकूमत को नोट नहीं छापने पड़ेंगे। एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन पाकिस्तान की 35% यानी एस्टिमेटेड 35% इकोनॉमी जो है वो डॉक्यूमेंटेड ही नहीं है, यानी ना उनमें से किसी का बैंक अकाउंट है, ना ही हुकूमत के पास उनकी कोई मालूमात है। वो कितना टैक्स देते हैं, क्या वो टैक्स देते हैं तो उसकी कितनी मकदार होती है, ये सब का तयन भी नहीं किया जा सकता क्योंकि वो डॉक्यूमेंट्स के अंदर मौजूद ही नहीं है। इसके अंदर एक ठेले से लेकर एक घर के अंदर चलने वाली कंपनी तक शामिल है। इसी तरह से अगर बात की जाए तो पाकिस्तान रियल टाइम इंटरबैंक सेटलमेंट मैकेनिज्म के मुताबिक तकरीबन 95 खरब रुपए की ट्रांजैक्शंस हुई 2019-20 के अंदर, जिसमें 32 खरब सिर्फ नोट्स की सूरत में हुई है, यानी तकरीबन 32 खरब का पैसा कैश की सूरत में पाकिस्तान की मार्केट्स के अंदर सर्कुलेट हुआ है और ये एक बहुत बड़ी रकम है जो कि सिर्फ एस्टिमेट की गई है। इन नंबर से पता चलता है कि पाकिस्तान इस वक्त डिजिटलाइजेशन पर जाने के लिए राजी नहीं हुआ है और यहाँ पे अभी भी डिजिटलाइजेशन के लिए बहुत से मसले हैं। एक अंदाजे के मुताबिक 102 अरब रुपए माली साल 2019-20 में ATM के जरिए फ्लो किए गए हैं, जबकि 748 अरब रुपए ई-कॉमर्स के जरिए पाकिस्तान की मार्केट में फ्लो किए गए हैं। अगर पाकिस्तान डिजिटलाइजेशन का ख्वाब देखता है तो पाकिस्तान को सबसे पहले बैंकिंग सेक्टर को मजबूत करने की जरूरत है। इसके अंदर पाकिस्तान सबसे पहले मॉर्गेज सिस्टम के जरिए आ सकता है। अगर पाकिस्तान मॉर्गेज सिस्टम के जरिए लोगों को घर देना स्टार्ट करेगा तो इस मॉर्गेज सिस्टम और बैंकिंग सेक्टर के जरिए लोगों का एतमाद पाकिस्तानी बैंक्स पर बढ़ेगा और इसी एतमाद बढ़ने की सूरत में पाकिस्तान डिजिटल बैंकिंग की तरफ जा सकता है। किसी भी मुल्क के लिए नोट छापना अच्छी बात नहीं होती, इससे उसकी इकोनॉमी के अंदर बार बार उसे इकोनॉमिक इंजेक्शंस देने पड़ते हैं। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।